कितनी लंबी लाइन है यार, ना जाने कब होंगे पैसे जमा। कमला भी हमारे घर पे इंतजार कर रही होगी खाने के लिए, जल्दी पैसे जमा कर देता तो घर चला जाता टाइम पर। अरे भैया, इन मैडम ने ना आपके पैसे चुरा लिए हैं। क्या, मेरे बैग से पैसे निकाल लिए? अरे भाई साहब, इसका चैन तो खुला हुआ है और इसमें मेरे पैसे भी नहीं है। देखो मैडम, अगर आपने मेरे पैसे लिए ना तो मेरे पैसे मुझको वापस कर दो, वो बहुत काम के हैं, मेरी जरूरत के पैसे हैं वो, मुझको गांव भेजना है मेरी माँ के इलाज के लिए। मैम साहब, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए वापस। अरे ओ, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मेंटल तो नहीं हो गया? मैं ना बैंक में पैसे जमा कराने आई हूँ, ना कि तेरे पैसे चुराने, समझा? और तू तू क्यों फालतू बोल रहा है, तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? देखो मैम साहब, मेरे बैग का चैन खुला हुआ है और यहाँ से किसी ने पैसे निकाल लिए, मेरे पीछे आप ही खड़ी हो, आपने ही पैसे निकाले होंगे। मैम साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझको मेरे पैसे वापस कर दो, वो मेरे बहुत काम के पैसे हैं, प्लीज मैम साहब मुझको मेरे पैसे दे दो वापस। अरे ओ चुप कर, तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, तूने अपनी खुद की शक्ल देखी है? अरे ओ मैडम, तू झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और क्यों किसी गरीब के पैसे मार रहे हो आप? और ये ना बैंक है, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, आप लोगों को चेक करवा दूं। ओ हेलो, तू ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझा? तुझे पता है मेरा पति ना ऑलरेडी पुलिस में है, तुझे ना 2 सेकंड में अंदर करवा सकती हूँ मैं। जैसे और लोग चुपचाप लाइन में खड़े ना, तू भी चुपचाप खड़ा रहे मुंह बंद करके, समझा? मैडम, आपके पति पुलिस में है या फिर नहीं है, इस बात से ना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि पैसे आपने नहीं चुराए तो एक काम कीजिए, अपनी तलाशी दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे यार, तू तो बहुत ही बदतमीज है, जब मैं तुझे इतनी बार बोल चुकी हूँ कि अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे, तुझे एक बार भी समझ नहीं आता क्या? और तू है कौन, तेरी औकात क्या मेरे सामने जो तू मेरी जेब चेक करेगा? चल निकल यहाँ से। मैडम निकलूंगा मैं नहीं, निकलोगे तो आप, क्योंकि आपने उस गरीब का हक मारा है। और हाँ, अगर आपको अपने ऊपर इतना ही ज्यादा ट्रस्ट है ना कि पैसे आपने नहीं चुराए, तो तलाशी दे दो, या फिर मेरे को यहाँ बैंक में जो कैमरे लग रहे हैं वो चेक करने पड़ेंगे, फिर सब कुछ सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप अपनी चेकिंग दे दो, वरना मुझे ये बैंक के कैमरे चेक करने पड़ेंगे। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तू इसका रिश्तेदार है क्या, जिसका हिमायती बने जा रहा है, क्यों पड़ रहा है बीच में? मैडम, बात ना रिश्तेदारी की नहीं, यहाँ पे बात इंसानियत की है। आपने उस बेचारे गरीब के पैसे मार लिए, उसको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करवाने थे, आपको शर्म नहीं आई? मैडम देखो, अगर आप पूरी तरीके से नहीं मानोगे ना तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, फिर पुलिस आकर आपकी चेकिंग लेगी और फिर पता चलेगा कि आपने पैसे चुराए हैं या फिर नहीं चुराए। अरे पुलिस को तू क्या बुलाएगा, पुलिस को बुलाती हूँ मैं। तुम दोनों पे छेड़छाड़ का आरोप लगाऊंगी ना और तुम जेल में जाके चक्के पीसोगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, समझे तुम? ठीक है, चलो पुलिस को, फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने पुलिस को बुला ही लो, जब भी देखिए मैडम मेरे पैसे, ऐसे तो पैसे दे नहीं रही, मुझके मेरे पैसे चाहिए भैया, आप प्लीज पुलिस को बुला लो। अरे ओ गांव के गवार, जब तुझे मैंने एक बार बोल दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, तो तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे मैडम, बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो, मैं अभी सच सामने लेके आता हूँ ना। अरे भैया, एक काम करो, सीसीटीवी की फुटेज चेक करवाना। अरे साहब, हमारे बैंक के सभी सीसीटीवी खराब है तो उनकी फुटेज नहीं दिख पाएगी। ले, तेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ की तो सीसीटीवी भी खराब है, अब तू क्या करेगा, अब तो मैं जा रही हूँ। मैडम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंस्पेक्टर नितिन पाल। क्या, पुलिस? हाँ, बहुत टाइम से ना शिकायत आती कि एक लड़की बैंक में आती है, लोगों के पैसे चुरा लेती है और उसके बाद में उनको उल्टा सुनाती है। तो देखो, चुपचाप से पैसे निकाल के दे दो, वरना मेरे को महिला पुलिस को बुलाकर तुम्हारी चेकिंग करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, आप किसी को मत बुलाइए, मैं अभी देती हूँ पैसे, ये लीजिए पैसे। लाओ इधर दो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के पैसे चुराते हो? अरे कितनी मेहनत से लोग पैसे कमाते होंगे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई पैसे चुराने से पहले। और हाँ याद रखना, मुजरिम कितना भी तेज हो पर एक दिन कानून के हाथ में आ ही जाता है। अभी महिला पुलिस को बुलवा के तुम्हें जेल के अंदर बंद करवाता हूँ। नहीं नहीं सर, आप प्लीज किसी को मत बुलाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगी, कभी चोरी नहीं करूंगी, प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा जब होगा जब तुम यहाँ पर रहोगे, तुम तो जेल के अंदर होगे, ऐसा दोबारा कभी नहीं होने वाला। और लो भैया, अपने पैसे रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझको मेरे पैसे दिलवा दिए, वरना ये पैसे ये मैडम लेकर रफू चक्कर हो जाती और मुझको अपने पैसे से हाथ धोना पड़ता। आपको पता नहीं है भैया, ये पैसे मेरे माँ के इलाज के लिए हैं, मैं इनको बैंक में लगाने आया था, और अगर आज ये पैसे नहीं होते तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता।
अब मैं इसको बैंक में लगा दूंगा और मेरी माँ गांव से पैसे निकाल कर अपना इलाज करवा लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था पुलिस होने के नाते। और मैडम आप चलिए मेरे साथ जेल में चलिए।